दोस्तों, आपने महसूस किया होगा कि जो काम आप मन लगा के करते हैं उस काम को करने में आप थकते नहीं हैं और बड़ी स्पीड के साथ उस काम को करना चाहते हैं। पर जब कोई काम बिना मन के कर रहे होते हैं तो थोड़ी ही देर में उस काम से आप थक जाते हैं और आपके काम करने की इच्छा शक्ति खत्म होने लगती है। दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि इस कहानी को सुनने के बाद समाज क्या कहेगा आप ये भूल जाएंगे और अपने मन से, अपने विवेक से अपना डिसीजन खुद लेंगे। एक बार एक बाप और उसका बेटा खच्चर पे सामान लेकर कहीं दूर जा रहे होते हैं। थोड़ी दूर जाने पर बाप सोचता है कि बेटा थक गया होगा, तो वो अपने बेटे से कहता है कि तुम खच्चर पे बैठ जाओ, मैं पैदल चलता हूँ। बेटा खच्चर पे बैठ जाता है। थोड़ी दूर जाने पर उधर से कुछ लोग गुजरते हैं और बेटे की तरफ देखते हुए कहते हैं, कैसा नालायक बेटा है, खुद खच्चर पे बैठा है और बाप पैदल चल रहा है। बेटा उनकी बात सुनता है और खच्चर से उतरकर अपने पिता को उस पर बैठने को कहता है। लड़के के कहने पर पिता खच्चर पे बैठ जाता है। थोड़ी दूर जाने पर कुछ और लोग मिलते हैं और बोलते हैं, कैसा पिता है, खुद आराम से खच्चर पे बैठा है और बेटे को पैदल चला रहा है। बाप जब ये सुनता है तो वो अपने बेटे को भी अपने साथ उस खच्चर पे बैठा लेता है और दोनों उस पे बैठ के जाने लगते हैं। थोड़ा और आगे जाने पर कुछ लोग और मिलते हैं और कहते हैं, अरे तुम इंसान हो कि जानवर, दोनों इस खच्चर पे बैठे हो, बेचारा खच्चर की जान लोगे क्या? ऐसा सुनकर बाप और बेटा दोनों उतरकर पैदल चलने लगते हैं। रास्ते में फिर से उन्हें एक आदमी मिलता है और बोलता है, कैसे पागल हैं सब, खच्चर होते हुए भी पैदल चल रहे हैं। अब बाप बेटे का दिमाग ठनक जाता है, कैसे लोग हैं दुनिया में, हर चीज पर अलग अलग राय देते हैं, किसी भी तरह से जीने नहीं देते। फिर बाप बोलता है, बेटा इस संसार में सुनना सबकी पर करना वही जो तुम्हारा दिल और दिमाग कहे। दोस्तों, हमारी लाइफ में भी बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जो मुफ्त में सलाह देते हैं, पर उनकी सलाह कितनी सही है ये तो हमें ही जांचना होता है। तो इसलिए सुनिए सबकी पर करिए अपने मन की। जब आप कोई काम अपने मन से करेंगे तो उसकी सफलता और असफलता पर केवल आपका अधिकार होगा। दोस्तों, अपने विवेक का उपयोग कर जो आपको सही लगे वही करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। मैं हर रोज एक नई इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियो के साथ आता हूँ। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।